बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम MA1 का सेकंड मॉक डिस्कस करने लगे हैं। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉक फर्स्ट मॉक में, ये परचेज मॉक है। इसके बाद हम फिर दूसरे मॉक्स भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड as external information for a business? Sale analysis report prepared by area sales manager। तो देखें, sales report internal होगी, this is not external। A report on consumer attitude prepared by a market research company, yes, this is external। Employee detail on the payroll database, this is internal। A safety performance report prepared by the business safety officer, this is also an internal। तो इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो एक्सटर्नल है? वो है कंज्यूमर एटीट्यूड prepared by a market research company। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द करेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग एंट्री इन एन इंटरलॉकिंग सिस्टम फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस? याद रखें, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम में हम दो तरह के सेट ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं। कौन से दो? मैनेजमेंट के लिए भी, मतलब कॉस्ट के लिए भी, कॉस्ट लेजर्स भी और फाइनेंशियल भी। और इंटीग्रेटेड में सिर्फ हम फाइनेंशियल बना रहे होते हैं। तो जब भी कॉस्ट लेजर बना रहे होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट लेजर यूज़ कर रहे होंगे। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, पेमेंट फॉर वेजेस। तो डेबिट वेजेस अकाउंट, क्रेडिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो याद रखें, जब भी इंटरलॉकिंग होगा तो हमने वेजेस हो, लेबर होता, तो लेबर है, मटेरियल होता, तो हम वो किसको चार्ज कर रहे होते? क्रेडिट किसको कर रहे होते? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को। डेबिट वेजेस, क्रेडिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन विच डिपार्टमेंट इज़ अ परचेज ऑर्डर यूजली प्रिपेयर्ड? कहते हैं बताएं परचेज ऑर्डर कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन। जारी बात है, जो परचेज़ कर रहा है, जो डिपार्टमेंट परचेज़ कर रहा है, वही क्या बनाएगा? परचेज़ ऑर्डर भी बनाएगा। गुड रिसीव डिपार्टमेंट? नो। डिस्पैच डिपार्टमेंट? नो। इन्वेंट्री स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ द बाइंग? नो। तो परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द परचेज ऑर्डर। Question number 4. Which of the following may be used as classification for raw materials used in product manufacture? कहते हैं रॉ मटेरियल की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है। तो रॉ मटेरियल कैन बी डायरेक्ट कॉस्ट इन द प्रोडक्ट, दे कैन बी फंक्शनल कॉस्ट, ठीक है, जहाँ हम अब कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हों थ्रू फंक्शन, जिस तरह प्रोडक्शन कॉस्ट। और लास्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज होती है तो हमारे पास रॉ मटेरियल भी चेंज हो रहा होता है। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन थ्रू डायरेक्ट, वेरिएबल और फंक्शनल कॉस्ट, तीनों केसेस में की जा सकती है। सो 1, 2 and 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस डिवीजन इंक्लूड डिसीजंस रिलेटिंग टू द लॉन्ग टर्म एसेट्स। विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज़ डिस्क्राइब्ड अबव? देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स मीन्स इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये कौन सा सेंटर होगा? जिसने लॉन्ग टर्म एसेट्स देखने हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स आर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या नॉन करंट एसेट्स, ये कौन देखेगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं? व्हाट इज द साइज ऑफ द परचेज ऑर्डर दैट मस्ट बी प्लेस्ड फॉर मटीरियल एम? मटीरियल एम के लिए हम कितने ऑर्डर करें? तो देखें, मैंने आपको क्लास में भी एक फार्मूला लिखवाया था, जो हमने परचेज़ करना है, परचेजेस किसके इक्वल होती हैं, जो हमने प्रोडक्शन करनी है माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है, मटेरियल परचेजेस, परचेज ऑर्डर मींस परचेजेस। तो अब यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। देखिए 460 एट द बिगनिंग ऑफ मंथ वन, दिस इज ओपनिंग, 460 इज द ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये गिवन है 520। अब हमने देखना है प्रोडक्शन, हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, मैन्युफैक्चर कितने करने हैं, ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। और इसको मैन्युफैक्चर अगर हम इन टोटल देखें तो 5 + 4 960 यूनिट्स बनाने। इन 960 यूनिट्स पे हमारा कितना मटेरियल रिक्वायर है? अगर आप देखें तो उसने कहा था 1.6 kg ऑफ मटेरियल है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 से, तो इसका मतलब हमें प्रोडक्शन करने के लिए हमें 400 यूनिट्स इन फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ 560 यूनिट्स बनाने के लिए वी नीड हाउ मच इन्वेंट्री 1536 kgs। वी हैव 460, वी ऑलरेडी हैव 460। तो हमने कहा ये हमें चाहिए थी, 460 पड़ी हुई है, ये माइनस कर दी। और क्लोजिंग हमें कितनी चाहिए एट द एंड, मंथ 2 के एंड पे कितनी चाहिए? 520, ये क्लोजिंग है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हाउ मच इन्वेंट्री इज़ रिक्वायर्ड, हम कितनी इन्वेंट्री परचेज करेंगे। तो 1596 kgs। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने साथ साथ सॉल्व कर लिया है। तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। देखिए ये मैं अगर इसे कहूँ कि मस्ट क्वेश्चन है तो ये ठीक होगा, ये बात ठीक होगी। सिर्फ आपने ये फार्मूला याद रखना है, जितने भी आपकी परचेजेस हैं वो कैसे फाइंड होंगी? प्रोडक्शन, बजटेड परचेजेस भी कह सकते हैं, परचेजेस भी कह सकते हैं, साइज ऑफ परचेज ऑर्डर भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। कहता है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर 1.6 kg of material M. A purchase order is to place for material M sufficient to provide for the manufacture of product B for the next 2 months and for 520 kg of material to remain in the inventory at the end of month 2, which means at the end of month 2 means this 520 is our closing inventory. 460 kg of material M is in inventory at the beginning of month first month, which means this is opening inventory. And manufacturing, how much we have to produce? We have to produce 400 units in month 1 and 560 units in month 2, which means we collectively we have to produce 960 units multiplied by 1.6. 1.6 is per unit requirement of kgs. So total requirement कितनी है? 1536. We have opening 460 units, वो हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए। एट दी एंड हमें इतने और चाहिए, तो ये हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास साइज़ ऑफ परचेज ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, a piece for scheme of labor remuneration applies to all direct workers in a factory. The scheme for each individual is as follows: up to 250 units produced in a week, 14 per unit, 250 to 300, 17 per unit, or above 300, 20 per unit. Only the additional units produced qualify for the higher rate. ये तो हमें वैसे भी पता है. Units that fail inspection do not qualify for any payment. देखें, उसने साथ एक कंडीशन दे दी. उसने ये नहीं कि आप जितने भी यूनिट बनाएंगे, अगर जो ठीक होंगे उसी की पेमेंट मिलेगी. जो यूनिट्स आपके ठीक नहीं है उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी. आपने कितने प्रोड्यूस किए? 320. और फेल कितने हो गए? 30. तो इसका मतलब आपको 320 में से 30 फेल हो गए तो आपको पेमेंट मिलेगी 290 यूनिट्स की. कैसे मिलेगी? उसने कहा था पहले 250 यूनिट्स टोटल आपने किए 290. 250 पे कितना मिलेगा? 14 पर यूनिट. और बाकी क्या रह गए? 40 यूनिट्स. 14 का क्या मिलेगा? 17 पर यूनिट. तो यहाँ से हम टोटल फाइंड कर लेंगे सैलरी. तो आप जल्दी से कैलकुलेटर उठाएं. आपके पास होगा भी 250 मल्टीप्लाई बाय 14 इट्स 3500 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 17 इट्स 680. और जब आप इसे ऐड करेंगे तो यू विल गेट 4180. सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. A factory cost center absorb overhead on a basis of machine hours. In a period, the budgeted overheads and budgeted level of activity. This is budgeted overheads and budgeted level of activity is 4100 machine hours. एक्चुअल, फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है? एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल एक्टिविटी, और हमसे पूछ रहा है प्री डिटरमिन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन और विच इज़ OAR ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट. देखो, जब हमसे ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पूछ रहा है तो एक्चुअल डाटा क्यों दे रहा है? ये हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए था? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. बजटेड ओवरहेड्स भी थे, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी भी था. व्हेन वी डिवाइड देम सो वी गेट 35.12. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं जी. अ ट्रेनी अकाउंटेंट इज रिसीविंग सम स्प्रेडशीट्स एंड ही हैज आस्क्ड यू टू लुक एट द फॉलोइंग. ओके, व्हाट इज़ बीइंग हाईलाइटेड अबाउट द एंट्री फॉर अक्टूबर. ये जो है कहते हैं इसके लिए हाईलाइट क्या हो रहा है. देखेंगे जहाँ भी ये दो एरोस आ जाएं तो ये इसका मतलब होता है कि इट कंटेन्स अ सर्कुलर रेफरेंस. ठीक है, हमने कल के मॉक में सर्कुलर रेफरेंस को डिस्कस किया था. उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं तो आप मॉक 1 की वीडियो ज़रूर देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं. कहते हैं व्हेन यूजिंग एक्सेल स्प्रेडशीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोटेक्टेड. इंडिविजुअल सेल्स, यस. अ रेंज ऑफ सेल्स, यस. एन एंटायर वर्कशीट, यस. ऑल 3. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following statements regarding weighted average methods of raw material pricing are true? The periodic weighted average method required the recalculation of issue price after each issue is made. No, periodic average. Periodic average means after a period. तो यहाँ पे अगर cumulative होता तो मैं फिर ये बात ठीक होती कि हर issue के बाद आपने recalculate करनी है. But in periodic, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने क्या करनी है? एवरेज लेनी है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फ्लक्चुएशंस इन इशू प्राइस आर रिड्यूस्ड इफ द कॉम्युलेटिव रादर देन पीरियोडिक वेटेड एवरेज. ये बिल्कुल उलट लिखा हुआ है. फ्लक्चुएशन कब रिड्यूस होंगी? जब पीरियोडिक लेते जब एक एवरेज लेते आप, तो क्यूमुलेटिव में हर नए आने वाले पे एवरेज लेंगे तो फ्लक्चुएशंस कैसे रिड्यूस होंगी? ये बात तो फिर ठीक नहीं कर रहा, दोनों बातें गलत हैं। विच मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 200 यूनिट्स 2000 units of inventory used on 1st July 20X1। कहता है जो हमने 1st July 20X1 पे इन्वेंट्री यूज़ की है उसकी प्राइस क्या होगी। तो देखें हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस 2000 में सबसे पहले ये वाली परचेजेस हैं, फिर ये हैं और फिर इसमें से 500 हैं। तो इसका मतलब क्या है, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो 500 इंटू 1.5 यस 750, 2000 इंटू 1000 इंटू 2000 एंड 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इट्स 1250 और when we add them we get the answer and it's 4000. A is the correct option. Next बहुत ही बेहतरीन सवाल कंसेप्ट समझने के लिए, जिसका अगर इक्वलेंट यूनिट्स में किसी को बच्चे को मसला है तो वो ये सवाल ज़रूर ध्यान से सुने और देखें और पढ़ें इंशाल्लाह अफाका होगा। क्या कहते हैं जी, व्हाट आर द इक्वलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन पीरियड। व्हाट आर द इक्वलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन पीरियड। ओके, Zico uses process costing for product alpha. Production began on 1st of September and there was no work in progress brought forward. और ये आपको पता है, ये MA1 में आपके लिए एग्जामिनर ने यही बात की है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मैं नहीं लूँगा। आसानी का मामला करता है MA1 में। क्या कहता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पीरियड 600 kgs of raw material were input to the process. इनपुट्स आर 600। इनपुट्स कितनी हैं जी, इनपुट है 600 की इनपुट है, ठीक है। और आउटपुट कितनी है, फिनिश गुड्स कितनी है, 200 फिनिश गुड्स हैं। फिनिश गुड्स कितनी है जी, 200। आउटपुट कितनी है, 200। देखिए अगर 600 आपने इनपुट की थी, आपने 600 इनपुट की थी और 200 आउटपुट है, विच मीन्स दिस 400 इज वर्क इन प्रोग्रेस। कहते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस वाज 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। मटेरियल के केस में देखें, मटेरियल के केस में ये जो है ये तो कंप्लीट ही कंप्लीट है और इसका 400 का कितने परसेंट कंप्लीट है, 80%। तो 400 का जब आप 80% लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 320। टोटल कितना है, 520। अच्छा, इसी तरह अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट देखें, दूसरी उसने क्या बताई हुई है, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में 200 तो ये बिल्कुल कंप्लीट है और कितना परसेंट कंप्लीट है, 60%। तो 400 का 60% ले लें तो 400 का 60 कितना बनता है, 240। तो इसमें जब मैं 240 ऐड करूँगा तो टोटल इक्विवेलेंट कितने आ गए, 440। बट हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था जस्ट फॉर मटेरियल। देखें ये जो आउटपुट है ये तो 100% कम्प्लीट है ना। परसेंटेज किस पे अप्लाई होगी? इक्विवेलेंट यूनिट के लिए जो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में अगर आप देखें तो 400 यूनिट्स थे क्योंकि हमने इनपुट की थी 600। फिनिश गुड्स में कितने ट्रांसफ़र हो गए? 200। तो बाकी 400 क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है। मटेरियल इन पे 80% मटेरियल के लिहाज से ये कंप्लीट हो चुके हैं और कन्वर्जन के लिहाज से 60% कम्प्लीट हो चुके हैं। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 80% एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ मेंबर ऑफ द सेल टीम इज कंपाइलिंग अ स्प्रेडशीट टू शो हाउ दी show the values of discounts given to a customer as follows. Which of the following formula could be entered in cell C6? Where is C6? This is C6. And then copy down to the correct discount figure for all month under review. अच्छा, कहता है आप यहाँ पे भी उसको क्या करना चाह रहे? कॉपी करना चाह रहे। देखें आपने हमेशा यही वाला सेल, ये 5% लेना है, तो इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम जब रेफरेंस करेंगे तो कैसे रेफरेंस करेंगे? इसको हमने रेफरेंस करने के लिए या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं $B $3 या B $3। मतलब हमने इस सेल को फिक्स करना है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमने इसको रेफरेंस दिया और किस रेफरेंस से आएगा? डॉलर के रेफरेंस से आएगा। तो या तो ये हो सकता है, तो हम इधर क्या फार्मूला लगाएंगे? B6 मल्टीप्लाई बाय $B3 डॉलर फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये आज ही हमने क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और इस पे मैं एक इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो हम क्योंकि हमारा काफ़ी सारा टाइम हो चुका है और हम अभी जस्ट 14 क्वेश्चन पे हैं, इसकी डिटेल जो अगर आप कोई देखना चाह रहे हैं तो हम इस पर सेपरेट बात कर लेंगे। आज इसी एक फार्मूला के ऊपर मैंने क्लास में 15 मिनट आज बात की है। तो इंशाल्लाह जो इसमें फर्दर चाह रहे होंगे स्टूडेंट्स उनके लिए अलग से भी इस पर हम बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या कहते हैं जी? Liz wishes to create an Excel formula which multiplies the content of cell A1 with the total content of cell B1, B2, B3, B4, B5. देखें, B is the correct option. ये क्या हो गया? सम आ गया। सम को फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट डालते तो ये भी हो सकता था और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं है और एवरेज तो ले नहीं रहे, हमने सम की बात की है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट फार्मूला टू इंटर इन सेल B6। B6 वेयर इज़ B6? दिस इज़ B6। कहता है यहाँ पे क्या फार्मूला डालूँ? तो आपने क्या लेना है? टैक्स लेना है और टैक्स रेट ये है, ये क्या है? B11 है। तो ये देखें ये B11 है। B4 को जब आप इससे 20% के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नहीं है। हमने अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते फिर हम इसे भी एब्सोल्यूट सेल बनाते और उसके लिए फिर हम क्या करते? डॉलर का साइन लेते, $B$11 करते या $B$11 करते। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। द फॉलोइंग रिलेट टू कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग। It involved transactions being grouped and stored prior to processing? No. डाटा प्रोसेसिंग तो साथ साथ हो रही होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही होती है. It involved transaction being input and processed as they occurred? Yes. It is quicker? Yes. A system will not always be up to date. देखें, जब आप साथ साथ रियल टाइम काम कर रहे हैं तो सिस्टम तो अप टू डेट होगा ना, हर टाइम आपके पास डाटा अवेलेबल होगा. इसका मतलब 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. Which if any of the following are advantages of having a centralized office function? Junior managers have more opportunities. No. ये junior accountant के पास decentralized system होता तो उसके पास ज़्यादा opportunities होनी थी. यहाँ पे centralized system है तो junior manager के पास opportunities नहीं होंगी. Expensive equipment can be used more economically. यस, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है तो हम एक ही एसेट को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, सेंटर से सारा काम चल रहा है. तो यस, 2 only इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू बी टास्क ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट? पेइंग सप्लायर इनवॉइसेस, सेटिंग द सेल बजट. पेइंग द सप्लायर इनवॉइसेस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट लाइकली. क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर यूजफुल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन? इट शुड बी कंप्लीट. यस. कॉस्ट बेनिफिशियल? यस. टाइमली? यस. बजटेड की बात समझ नहीं आ रही तो बजटेड नहीं हो सकता. हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, हमने कहा था एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कॉस्ट बेनिफिशियल होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए. नेक्स्ट जी कहता है जी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्री इन्वेंट्री? यस. फ्री इन्वेंट्री क्या होती है? फ्री इन्वेंट्री का हमने फार्मूला लिखा था, आपको याद होगा. फ्री इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री इन हैंड, इन्वेंट्री इन हैंड प्लस इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर और माइनस इन्वेंट्री रिक्विजिशन या स्केड्यूल फॉर यूज़ या इन्वेंट्री रिक्वेस्टेड. तो देखें वी हैव 2400 ऑफ यूनिट्स प्लस हमने ऑर्डर किया हुआ है 67 और हमसे मांगी कितनी गई है 1600. सो दिस इज़ द फ्री इन्वेंट्री. सिंपली यहाँ से जब आप इसे फाइंड करेंगे इट्स 7500. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं जी. कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स मोटर व्हीकल्स. इन द अकाउंट्स कोडिंग सिस्टम द कोड फॉर अ पर्टिकुलर व्हीकल मॉडल इज VE/26 एंड द कोड फॉर द पैसेंजर डोर इन दैट मॉडल इज VE/2612/12. यूजिंग द सेम कोडिंग स्ट्रक्चर, मतलब यही कोड इस्तेमाल करना है, यही स्ट्रक्चर यूज़ करना है. Which of the following could represent the code for the panel in the passenger door? तो इसका मतलब यहीं से आगे बात चलेगी ना, ये तो डोर का है ही है तो इसी में आगे चलेगा. तो इसी का जो आगे चल रहा है वो एक ही सीक्वेंस है, वो ये है. तो देखें बिल्कुल कॉमन सेंस था. अगर आपको बात मेरी समझ नहीं आई और तेज़ लगी है तो आपके पास YouTube पे वीडियो को रिवाइंड करने का ऑप्शन है, आप 30 सेकेंड पीछे करें और आराम आराम से दोबारा सुन लें. क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 यस कहता है व्हाट कॉस्ट बिहेवियर क्लासिफिकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड? सीधा देखें यहाँ पे 36, 39, 39, 42, 42 और 45. यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हो रहा है? हर 10% इंक्रीज़ होने पे 3000 इंक्रीज़ हो रहा है. ये 1000 में वैल्यू है. तो इसका मतलब क्या है कि 10% इंक्रीज़ होने पे कुछ हमारी अमाउंट फिक्स है और कुछ जैसे 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 एक्टिविटी में चेंज आ रहा है तो वो चेंज आता जा रहा है. तो पावर हमारे पास क्या आ गई? सेमी वेरिएबल. सुपरविजन देखें यहाँ पे ये 23 थी, इसके बाद जैसी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा वो 25 हो गई. इसका मतलब ये एक स्टेप यूँ था, जैसे ही अगला स्टेप आया तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, फिर यूँ सेम जा रही है, फिर अगले स्टेप पे फिर बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टेप फिक्स। दो ऑप्शन है सुपरवाइज के, और पावर जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, वो सेमी वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। A business has a net profit margin of 12% and its turnover of 1.4 times. What is the return on capital employed? तो हमने पढ़ा था return on capital employed is equal to net profit margin multiplied by asset turnover। देखें, वैसे तो हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या पढ़ा था, प्रॉफिट PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और दूसरा हमने कहा था ये इन दो फार्मूला से मिलके भी आ सकता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो ROC इज 16.80%। सो वी हैव दिस डी ऑप्शन। Next question, question number 25. In a cost accounting system, what would be the entry for issue of indirect material to a production cost center? यहाँ पे देखें, आपके लिए बोल्ड भी किया हुआ indirect। अगर direct होता तो हम debit करते work in progress को, indirect material है तो हम debit करेंगे production overheads को। दोबारा बता रहा हूँ, डायरेक्ट के लिए हम डेबिट किसको करते, वर्क इन प्रोग्रेस को। इनडायरेक्ट है तो हम किसको डेबिट करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री अकाउंट। दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज की हमने सेकंड मॉक, ये हमारा सेकंड मॉक था, सेकंड मॉक का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सीखे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें भी हम अगले जो 25 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह देखेंगे।